अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अच्छा, रिसेंटली अभी हम पढ़ रहे थे ओहम लॉ, और ओहम लॉ के अंदर हमने एक नई टर्म निकाली थी, एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी जिसका नाम था रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या है, इसकी सिंपल से हमने उधर डेफिनेशन लिखी थी, द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। हैं जी, टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि दूसरे मायने में हमने इसे कुछ ये कहा था कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली टू करंट, यानी कि हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस के बढ़ने से सर्किट के अंदर करंट कम हो जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि ये कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे कि एक तो ये नेचर ऑफ कंडक्टर, यानी कि नेचर ऑफ मटीरियल, जिस मटीरियल से करंट गुजर रहा है, कंडक्टर हो गया। दूसरा हमने बोला कि ये जो रेजिस्टेंस है ये डायमेंशन पर डिपेंड करती है, द डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। और तीसरा हमने बोला ये टेम्परेचर पर करती है। अच्छा, इसके अंदर जो ये डायमेंशन और ये नेचर है, अब आपको कि सर अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो इसके फॉर्मूला के अंदर तो हमारे पास जो था वो ये था कि V इज इक्वल टू आई आर, यही था, जहाँ से I हमें लग रहा है कि सर ये डिपेंड करेगा वोल्टेज ओवर करंट पर। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है इसका मतलब कि रेजिस्टेंस आपकी वोल्टेज और करंट पर डिपेंड करिए, क्योंकि हमारे पास अगर हम बात करें Q डायरेक्टली टू V, ये कैपेसिटर वाला था, तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू C एंड V है था, और ये जो C था इसका नाम था कैपेसिटेंस, और ये कैपेसिटेंस असल में क्या है, एक कॉन्स्टेंट, और ये ना तो इस पर डिपेंड करता था ना इस पर। सिमिलरली अगर हम ओहम लॉ को देखें तो ओहम लॉ के अंदर ये जो हमारे पास R है ना, R ये एक है कॉन्स्टेंट फॉर डिजायर्ड करंट, यानी कि डिजायर्ड कंडक्टर, यानी कि ये करंट और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये कुछ इन फैक्टर्स पे कर रहा है, जैसे कि नेचर ऑफ मटेरियल, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर और टेम्परेचर। तो आज हमने इसे देखना है कि ये नेचर प्लस डायमेंशन पर कैसे करता है। ठीक है, जो टेम्परेचर वाला इफेक्ट है वो हम इसका बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो इसकी नेचर वाला, इसको हम बाद में देखते हैं, इससे पहले हम इसके देखते हैं डायमेंशन वाला इफेक्ट। उस डायमेंशन वाले इफेक्ट से ना एक नई टर्म निकलेगी जिसका नाम होगा रेजिस्टिविटी। पहले मैं इसकी डिफाइन लिख देता हूं, फिर इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। डिफाइन इसकी है डी रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ वायर। ठीक है, एक तो इसकी डिफाइन ये है, और एक इसकी डिफाइन कुछ ये भी है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर, कह सकते हो या आप इसे कंडक्टर बोल सकते हो, ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया, ये भी इसकी एक डिफाइन बन सकती है। ठीक है, इसका अगर फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। ये जो आर है, ये जो रो है, ये असल में क्या आपकी रेजिस्टिविटी, और इसका एक और नाम भी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको हम इधर भी लिख लेते हैं ब्रैकेट में, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब हम इसे समझते हैं कि ये क्या है। ये वो कह रहा है कि एक मीटर क्यूब वायर, या एक वायर है जिसकी यूनिट लेंथ आपने यूज करने और यूनिट एरिया, उसकी जो रेजिस्टेंस होती है उसका नाम क्या होता है, उसकी रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये है क्या,
अगर मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ कि फर्ज कर ले जी भाई साहब मेरे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है जी, एक कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और लेंथ यहाँ से यहाँ तक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस कंडक्टर के अंदर इस कंडक्टर को बड़ा कर देता हूँ, मतलब इसकी लेंथ को बढ़ा देता हूँ। तो जब मैं इसकी लेंथ को बढ़ाऊँगा तो लेंथ बढ़कर कुछ ये हो जाएगी, इसका नाम हम एल प्राइम रख देते हैं, एरिया अब भी वही है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि यार इसके अंदर से मैंने अपने चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को पास करना है इस डायरेक्शन के अंदर, तो मुझे ये बताओ इलेक्ट्रॉन्स किस में से जल्दी पास होंगे? तो जाहिर सी बात है आपको कि सर ऊपर वाले में से जल्दी पास होंगे क्योंकि ऊपर वाला छोटा है। अब ये जो लेंथ है, ये जो अंदर खोखला पर नज़र आ रही है, खोखला नहीं है, ये जो मटीरियल है वो एटम से भरा हुआ है। इसका मतलब है जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसके अंदर एटम्स की तादाद भी ज़्यादा होगी। अगर एटम्स की तादाद ज़्यादा है तो इसके अंदर शायद यहाँ तक आएगा तो कुलियंस ख़त्म हो जाएंगे और कहानी एंड हो जाएगी। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा टुकड़ा है इसके अंदर मज़ीद कुलियंस होंगे आगे वाले एटम से, जिससे कुलियन होने से ऑब्वियस बात है कि चार्जेस स्लो डाउन होंगे तो सर्किट का करंट कम होगा। तो मैं कहूँगा यार ये बंदा तो बड़ी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है क्योंकि इसके पास रोकने के लिए बंदों की तादाद ज़्यादा है। तो मुझे यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि रेजिस्टेंस को मार से जाहिर करते हैं डायरेक्टली टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, के कंडक्टर की लेंथ के रेजिस्टेंस डायरेक्टली। अच्छा, अब अगर हम इसको यहाँ पर करें कि फ़र्ज़ कर लो कि ये मेरे पास एक सेम लेंथ है, एक ये है इसका एरिया ए है और लेंथ एल है, और एक और कंडक्टर है जो ये कुछ इस तरह का है जिसका साइज़ एरिया का साइज़ बड़ा है बनिस्बत के इसके, लेकिन लेंथ दोनों की सेम है। तो यहाँ पर होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन फ़र्ज़ कर लो चार्ज पार्टिकल जो सर्किट में मूव कर रहा है, वो यहाँ पर एक दूसरे के करीब करीब मूव कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपस में उनके क्लियंस भी हो सकते हैं, या उस कंडक्टर के अंदर जगह कम है कि वो लेफ़्ट राइट एटम जब यूं और यूं कर रहा है तो उसके दौरान दूसरा भी कर रहा है, तो जगह कम है तो उसके क्लियन होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन ये जगह खुली है, रकबा ज़्यादा है, खुली जगह है, रकबा ज़्यादा है, चार्जेस को ईजिली मूव करने की यहाँ पर सहूलत मिल रही है, चार्जेस इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, जब वो इधर उधर से जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। तो मुझे लग गया कि सर्किट में करंट ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली, इन्वर्सली का मतलब है कि एरिया के बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। ये मुझे यहाँ से एक चीज़ समझ आ रही है। लेकिन कंडक्टर की अगर मैं डायमेंशंस बदल रहा हूँ तो मुझे ये भी पता लग रहा है कि जो मैंने फैक्टर्स पढ़े तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, अच्छी है। तो यही वो पॉइंट था जो मैंने बताना कि रेजिस्टेंस ना के वोल्टेज करंट पर डिपेंड करी बल्कि आपके कंडक्टर या उस मटीरियल की किस प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड कर रही है, उसके डायमेंशंस पर। तो इसे अब मैं अगर कंबाइन फॉर्म में लिखूं तो यहाँ से मुझे पता चला कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली टू एल एंड रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली टू वन ओवर ए, यही बनेगा। अब अगर हम दोनों एक्सप्रेशंस को कंबाइन करें तो आप देखोगे डायरेक्टली एंड इन्वर्सली, और यहाँ से आर एक इक्वल आएगा और एक इधर कॉन्स्टेंट आएगा, तो बचेगा एल ओवर ए। और यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट है उसका नाम है जी रो, जो डेंसिटी का सिंबल मोस्टली हम यूज़ करते हैं। तो रेजिस्टेंस यहाँ से पता चल रहा है ये रो पर, और ये जो रो है ये असल में क्या है, ये है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये क्या कहते हैं, ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी मटेरियल है, बेशक उसकी लेंथ आप डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, इसका एरिया जितना मर्जी कर दो, ये जो रो है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन का कांस्टेंट है। और यहाँ से जो रो है वो किसके बराबर आता है, आर ए ओवर एल। और ये आर ए ओवर एल क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है आर ए ओवर एल, ये बोलना चाह रहा है कि इस आर की यानी कि जो रो है इसकी जो वैल्यू है वो आर ए और एल पर डिपेंड कर। ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस ही है। कैसे रेजिस्टेंस है, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में लिखा कि ये एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। कितनी, कि अगर मैं इसी इक्वेशन वन कह देते हैं हम इसे, या इक्वेशन बल्कि वन बोल देते हैं इसे, इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू, अगर हम इक्वेशन वन में
बाय पुटिंग एल की वैल्यू यूनिट, तो यूनिट क्या होंगे मीटर, क्योंकि एल एक लेंथ है, और एरिया के यूनिट क्या होंगे मीटर स्क्वेयर, और यूनिट क्या होंगे वन। तो हम क्या करेंगे इन इक्वेशन वन वही गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि जो रो है भाई साहब आर जो है वो बराबर आया है रो एल की जगह पे वन मीटर ओवर वन मीटर स्क्वेयर। तो अगर आप यूनिट ना भी लिखो वन वन लिखो तो आपके सामने आएगा रो, और उस वक्त जो उस मटेरियल की रेजिस्टेंस होगी वही उस मटेरियल की क्या कहलाएगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नहीं समझ आई दोबारा बता देता हूँ कि मेरे पास एक कंडक्टर है, अगर उसका मैं साइज जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो वन मीटर स्क्वेयर कर दूँ, यानी कि उसका ये जैसे ये है ये कंडक्टर है इसका एरिया वन ये वन मीटर स्क्वेयर कर दूँ और इसकी लेंथ वन मीटर कर दूँ, इस पूरे इस वक्त कंडक्टर के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस मुझे मिल सकती है फिक्स रेजिस्टेंस उसका नाम क्या होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो वो क्या कहलाएगी रो। और वो अगर आपके पास कॉपर है चाहे कॉपर दो मीटर का है चाहे बीस मीटर का है चाहे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है चाहे छोटा है वो सबके लिए रो कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि उसने वो कॉन्स्टेंट का क्या मतलब है कि उसके एक मीटर क्यूब वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो उतनी ही होगी। तो जितना भी उसके मीटर क्यूब बनेंगे आप उसे डिवाइड कर लो तो उस एक मीटर क्यूब की जो फिक्स रेजिस्टेंस होगी वो फिक्स वैल्यू हम एक मीटर क्यूब पे ले रहे हैं, यानी कि एक मीटर क्यूब का मतलब लंबाई ज़रब चौड़ाई एरिया ज़रब ऊंचाई, तो उस एक मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस है उसका नाम क्या होगा स्पेसिफिक, क्योंकि हमने स्पेसिफाई कर दिया। अब ये मटेरियल टू मटेरियल तो वेरी करेगी, यानी कि ये किस पे डिपेंड करती है, इसकी दो चीज़ें होंगी, ये एक तो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मटेरियल पर, और दूसरा डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर, यानी कि अब हमारे पास दो रोले रह गए, लास्ट टाइम तीन थे डायमेंशन, तो डायमेंशन को ख़त्म करने के लिए हमने क्या लिया रो। अब इसका फ़ायदा हमें क्या हो रहा है, अब इसका मतलब है कि अगर कोई बच्चा चाहे वो जिस मर्जी चीज़ को इस्तेमाल करे, वो कॉपर को इस्तेमाल कर रहा है बड़े साइज़ की छोटे साइज़ की, और दूसरा बच्चा भी कर रहा है, अगर वो दोनों सेम साइज़ की नहीं भी कर सकते इस्तेमाल, तो अगर वो ड्रो को यूज़ करेंगे तो उनका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कि बड़ी कॉपर की वायर और छोटी कॉपर की वायर पर सेम लगे। हाँ, मटीरियल चेंज होने के बाद इसकी कहानी बदल जाएगी। अच्छा, ये आ गया आपके पास कॉन्स्टेंट। अब ये जो कॉन्स्टेंट है ये फिक्स वैल्यू क्या है, अब ये जो कांस्टेंट है इसके जाहिर सी बात है इसकी एक वैल्यू होगी, एक मेजरिंग क्वांटिटी है, इसके यूनिट भी होंगे, तो रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल है, आर के यूनिट होते हैं ओहम, एरिया के होते हैं मीटर स्क्वायर ओवर मीटर, तो मीटर इससे कटा तो क्या बचा ओहम मीटर, तो इसके यूनिट क्या बनेंगे ओहम मीटर इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक हो गया, ये इसके मेजरिंग यूनिट आ जाएंगे। अच्छा, अब ये मोस्टली अगर हम देखें तो हमें मोस्टली कॉपर और सिल्वर की बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल लेवल पर अच्छी मिलती है, इसलिए ये जो कॉपर और सिल्वर है इनको हम गुड कंडक्टर के तौर पर यूज़ करते हैं, हमारी ये जो डेली लाइफ में मटीरियल्स यूज़ होते हैं, ये जो आपकी वायरिंग शेयरिंग होती है वो इन मटीरियल्स इसलिए की जाती है। अच्छा, अब इसी का जैसे हमने कल लास्ट टाइम जो लेक्चर था उसके अंदर हमने ये देखा था कि हमारे पास ये जो वन ओवर आर है ना, इस फैक्टर को हमने सी, यानी कि इसको कई बुक्स ने जी भी कहा है सी भी कहा है, इसका नाम था कंडक्टेंस। ये क्या कहता है कि कोई चीज़ कितनी पास हो रही है वो उसकी रेजिस्टेंस के ऑपोजिट है। मेरे पास एक 100% की वैल्यू, मैं कहता हूँ उसमें से 70 लोग पास कर जाते हैं तो 30 लोग रुक जाएंगे, वो जो रुकना है वो रेजिस्टेंस है, जो पास करना है वो 70 है। इधर से अगर आप वैसे देखो तो आपको ये नज़र आएगा कि जो R है वो इन्वर्सली है 1 ओवर C के, तो जे अगर हम R के यूनिट देखें तो होते हैं ओम, तो फिर C के क्या होंगे, तो आप इधर से पुट करें C बराबर है 1 ओवर R, क्या आ जाएंगे ओम पर ओम, और इसको बोलते हैं मोहो, ठीक है, उल्ट ओम का नाम क्या है मोहो। सिमिलरली अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस स्पेसिफिक करें तो वो रेजिस्टिविटी बन जाती है। इसी तरह अगर मैं एक मीटर क्यूब वायर को कहूँ कि यार ये कितने एक मीटर क्यूब वायर कितनी कंडक्टेंस शो कर सकती है, तो वहीं से एक नई टर्म भी बन जाएगी, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा रेजिस्टिविटी, जैसे रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, तो इसका नाम क्या बन जाएगा हमारे पास कंडक्टिविटी। सिग्मा से हम इसे जाहिर करेंगे, ये क्या होगा
ये उल्ट हो जाएगी, द कंडक्टेंस व्हाट आर रेजिस्टेंस, द कंडक्टेंस ऑफ अ 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर, ठीक है, तो ये उसका उल्ट हो जाएगा। अब ये क्या कहता है, जैसे रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस लिंक्ड है, सिमिलरली रेजिस्टिविटी भी और रेजिस्टेंस भी लिंक्ड है। तो हमारे पास रेजिस्टिविटी जो है, सॉरी कंडक्टिविटी, वो है 1 ओवर रेजिस्टिविटी, 1 ओवर रो, ठीक है। इसको बल्कि हम ऐसे लिखते हैं, पहले कंडक्टिविटी यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू 1 ओवर रेजिस्टिविटी, क्योंकि जिस तरह रेजिस्टेंस इफेक्ट होती है लेंथ चेंज करने से, एरिया चेंज करने से, सिमिलरली कंडक्टेंस भी इफेक्ट होती है। लेकिन हमें दोनों से बचने के लिए हमने जैसे रेजिस्टिविटी निकाली है, सिमिलरली कंडक्टिविटी, इसके यूनिट क्या आ जाएंगे, 1 ओवर रेजिस्टिविटी के हमने निकाले हैं ओहम मीटर, तो क्या लिखूंगा, ओहम मीटर, ये बन जाएंगे पर ओहम पर मीटर। पर ओहम का नाम क्या होगा, मोहो, और इसके आ जाएंगे पर मीटर, ठीक है। ये आ जाएंगे इसके यूनिट, ठीक है। अच्छा, मोहो को सीमेन भी कहते हैं, जैसे कि उसका नाम था जोर साइमन ओहम, तो सिमिलरली वो सीमन उसी से लिंक्ड उन्होंने करके कंडक्टेंस के यूनिट रख दिया, यानी कि मोहो का दूसरा नाम क्या है, सीमन। सिमिलरली ये क्या बन जाएंगे, सीहम पर मीटर, तो ये आपके पास आ जाएगी कंडक्टिविटी। जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन आया, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।